नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश पुलिस के महिला सशक्तिकरण एवं महिला रक्षा अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा, नगर निरीक्षक संगीता सिंह सहित आयोजनकर्ता मकरोनिया थाना पुलिस की उपस्थिति दर्ज हुई। इस आयोजन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी ने अपने विचार प्रकट किए और यह संकल्प लिया कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सुरक्षित रखने का प्रयास समाज में होना चाहिए। आयोजन को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश अब महिला सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। वाइट आयोजन को संबोधित करते हुए टीआई मकरोनिया ने कहा कि थाना क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी है एवं सुरक्षा के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वाइट महिला सुरक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश भर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं, निश्चित तौर पर किए जा रहे प्रयास सकारात्मक होंगे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। कि समाज में इस प्रकार की जागरूकता लाएं जिससे ऐसे जो महिलाओं के साथ में एवं अवयस्क बच्चियों के साथ में अपराध घटित होते हैं इनको रोका जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज ये थाना मकरोनिया का प्रोग्राम यहाँ पर जो माननीय कुलपति महोदय के सहयोग से और यहाँ के प्रबंधन के सहयोग से ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में इस प्रकार से जो महिलाओं के साथ, अवयस्क बच्चियों के साथ कई प्रकार के ऐसे अपराध होते हैं जिससे बड़ी समाज में जघन्य अपराध घटित हो जाते हैं, इनको रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा समाज में जाकर के एवं स्कूली संस्थाओं में जाकर के और कई प्रकार से प्रचार प्रसार करके ऐसे अपराधों की रोकथाम करना हमारा दायित्व तो बन जाता है। इसके लिए आज यह प्रोग्राम रखा गया है। तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में बच्चों के, अवयस्क बालकों के साथ में जो किसी प्रकार से लालच दे करके या उनको गुमराह करके या अन्य प्रकार के प्रलोभन दे करके उनको बहला फुसला करके बच्चियों को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। उनके साथ में ऐसे लोग जो उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास न होने से शादी विवाह कर लेते हैं, जिनके कारण उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी प्रभावित होती है और उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे इसके लिए जन जागृति का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जैसा अभी आप लोग देख रहे हो ये एक पोस्टर बनवाया है, पोस्टर में एक मुख्य उद्देश्य तो साहब ने बता दिया कि महिला सुरक्षा कितना जरूरी है हमारे लिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि एसबीएल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसने हमेशा महिला संबंधी जो जागरूकता कार्यक्रम है हम लोग के साथ मिलकर हमेशा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए मैं यहाँ के संस्थानों को धन्यवाद देती हूँ। जब कभी भी पुलिस से कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, मतलब यदि आपके साथ कोई अपराध हो रहा है या आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति का कोई अपराध हो रहा है तो उस अवस्था में आपको चुप नहीं रहना। आपके साथ अगर कोई छोटा मोटा भी अपराध है तो उसमें आपको चुप भी नहीं करना है बल्कि आपको उसका जो है उचित विरोध करना है। वो विरोध किस तरह का हो इसकी भी कानून में डेफिनेशन है, जैसे धारा जो 100 है वो आपको रक्षा का अधिकार देती है। इसमें आत्मरक्षा का अधिकार जो सामने वाले की मृत्यु कारित करने तक दिया गया है, किसी की जान की रक्षा करने के लिए, स्वयं की जान की रक्षा करने के लिए या किसी को रेप जैसे किसी अपराध से बचाने के लिए वो अपराधी की मृत्यु कारित कर देने तक का अधिकार कानून में दिया गया है। एक तो जागरूकता का उद्देश्य यह है कि कानूनी प्रावधानों और आपको रक्षा के क्या क्या प्रावधान है उनकी जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए। फिर कुछ करो समझदारी से, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध का शिकार है या आपके सामने कोई संकट है
तो आपके सामने क्या क्या तरीके हैं उससे बचाव। सबसे पहले संगीता मैडम ने बताया कि 100 नंबर है, ये तात्कालिक सहायता है जिसको कि आप विद इन 5 to 10 मिनट्स में शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, पुलिस की सहायता आपको प्राप्त होगी। फिर थानों का जो माहौल होता है उसमें यह पाया गया कि महिलाएं जो है अपनी व्यथा जो है पुरुष अधिकारियों के समक्ष ठीक से नहीं कह पाती या पूरी बात नहीं कह पाती। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने महिला डेस्क की स्थापना की, तो इस डेस्क में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के महिला अधिकारी होते हैं और महिला स्टाफ भी इसमें रहता है ताकि महिलाएं जो है अपनी अपने साथ जो घटित अपराध है उनको पूरी तरह से और अच्छी तरह से बता सकें और कानूनी सहायता प्राप्त की जा सके। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति अनुसार आपको जो भी कदम उठाने हो पूरी सोच समझ के आपको उचित जानकारी के साथ ये सब आपको उसमें करने हैं। इस अभियान का उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं के प्रति जो सोच है समाज में उसमें परिवर्तन आया जाए। महिलाओं के सम्मान की शुरुआत जो है घर से होती है। इस संबंध में जैसे कुलपति महोदय ने प्रकाश डाला था कि ये विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं जो कि चरित्र निर्माण से संबंधित है, बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह का जो कार्यक्रम है उसकी महत्ता स्वयं से विश्वविद्यालय स्तर पर 17 वर्ष के बाद विद्यार्थी ऐसे स्थान है या शैक्षणिक संस्थान ऐसे स्थान है जहां से जागरूकता की पवित्रतम कार्यक्रम सीधे चलाए जा सकते हैं। क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय भी एक महान पुरुष के नाम से है और हम लोग चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए लगातार कार्य करते ही रहते हैं, कार्यशालाएं भी आयोजित करते रहते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं, प्रादेशिक स्तर पर भी काम कर रहे हैं और जिले स्तर पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं जिसमें हम शिक्षकों को भी ट्रेंड करते हैं और इस अवधारणा को भी समझाते हैं कि वास्तव में हमारे जो मनोदशा है उस मनोदशा को कैसे साधा जाएगा, ये पूरे शरीर को कैसे ठीक रखा जाएगा, शरीर को मन को प्राण को और बुद्धि को कैसे ठीक किया जाएगा। और उसका एक छोटा सा भाग है कि अपने आप को साधना, अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप में एक साहस लाना, अपराधों के विरुद्ध सरकार के जो कानून है उनका ज्ञान होना, उनका भान होना। और आप जो एक महिलाओं का एक भूला मन है, एक कोमल मन है उनका, उनके कोमल मन में कोई किसी लालच का या किसी भगाने का या उनको डाइवर्ट करने के कोई ऐसे कारण तो नहीं है कि जाके वो करते हैं और उसे लड़कियों से वो दोस्ती बनाती है और लड़की उस समय समझती है कि भाई ये लड़की है, इससे हम इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ले सकते हैं, इसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वास्तव में लड़का रहता है और वो लड़का ही उनके नजदीक आके उनको बरगला देता है, मोटरसाइकिल पर घुमाना, गिफ्ट देना, छोटे छोटे से कोई प्रलोभन देना, प्रलोभन देने की जो बात आ रही थी कि उसमें शादी से पहले उनकी उम्र से पहले 16 वर्ष से पहले शादी कर लेना, कानून बहुत से हैं कि आपके 18 वर्ष है और तो बात चल रही है 20 वर्ष की आयु गर्ल्स की भी की जाए, ये भी बात आ रही है, आयु से पहले शादी नहीं करना ये भी अपराध है। और जो संगीता मैडम ने और हमारे इनके CSP महोदय ने बताया कि त्वरित कार्रवाई के लिए नंबर है, जैसे 100 डायल है, 100 डायल पर करेंगे, और भी उसके पहले भी हमारी अधिकारी थे तो वहां बीट प्रभारियों के भी नंबर लिखे रहते थे, बाज स्क्वाड रहती थी और उस पर त्वरित लोग मोटरसाइकिल पर मिनटों में आपके पास पहुंच जाती थी, आप कहीं हैं किसी ने आपको छेड़छाड़ी कर दी तो तुरंत आप वहां फोन लगाएंगे और आपको वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाती थी। मध्य प्रदेश जो पुलिस है इन अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत कार्रवाई करती है और फील्ड पे भी तुरंत करती है, पुलिस थाने के भीतर भी जैसे सर ने बताया कि महिला डेस्क बनी हुई है जहां सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो आपकी बात सुनेंगे, जहां बेहिचक आपके पास कोई भी अपराध हुआ है, आप हर्ट हुई है, आपका शोषण हुआ है, आप कहीं आपके ऊपर अत्याचार हुआ है तो वो बात वहां तुरंत सुनकर और FIR की जाएगी। और जैसे सर ने बताया कि सरकार ने भी सजा दोगुनी कर दी है,
दोगुनी कर दी है। तो इसमें साहस जुटाना है, जागरूक होना है कि हम ऐसे प्रलोभन में, ऐसे उलझनों में ना फंसे, लोगों की बातों में नहीं आए, लोग बात हमको भ्रमित ना कर।